हैव यू बीन फीलिंग कि लाइफ कुछ अलग ही हो गई है, जैसे रुक सी गई हो? मन करता है कि बस दूर कहीं चले जाए इस सब से, इस वक्त से। मेरा भी मन करता है। सो हियर्स अ लिटिल समथिंग दैट विल गिव यू अ रे ऑफ होप टू होल्ड ऑन टू आउटसाइड द पैंडेमिक। इन हार्ड टाइम्स से दूर ब्यूटीफुल राजस्थान में कहीं एक रेगिस्तान है जो हम सब के लिए रुका हुआ है। रुका हुआ है कि बस उस रेत को कोई अपनी हथेली में पकड़ने के लिए फिर से नादान कोशिशों में जुट जाए। इट्स वेटिंग कि कब कोई नंगे पैर ठंडी रेत पर फिसलते हुए फिर से चलेगा, कब फिर खुशी से इकट्ठा बैठकर सब अपनी अपनी भाषाओं में कुछ गीत गुनगुना पाएंगे, कब साथ में बैठ के कुछ किस्से और कहानियां शेयर कर पाएंगे। है एक रेगिस्तान तुम्हारे, मेरे, हम सबके इंतजार में। कहीं हिमाचल का सर्द मौसम रुका हुआ है कि कब कोई फिर आएगा और बर्फीले चट्टानों के नीचे खुली हवा में सांस ले पाएगा, कब स्कूल जाते बच्चों के साथ मिलकर कुछ शरारतें करेगा और कब बस एक खूबसूरत पहाड़ पर चढ़कर एक डूबते हुए सूरज को देख पाएगा अपने घर की खिड़की से नहीं। वो लंबे डिफिकल्ट ट्रैक्स पर जाना, अपने हाथों से गरम गरम मैगी बनाना, अकेले पहाड़ों में बैठकर उसे खा पाना, क्या तुम भी उसे मिस करते हो? वॉटरफॉल के करीब खड़े रहकर जब उसकी ठंडी छींटे मुंह पर गिरती है तो याद है ना कैसा लगता था? एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके याद कर लो। सर्द धूप वाली फीलिंग याद है, जब कस के ठंड हो, नाक बिल्कुल लाल हो गया हो, लेकिन धूप की कुछ किरणें सफिशिएंट सेक देती है। कानों में बजती ठंडी हवा की सीटियां याद है। कहीं हिमाचल की खूबसूरत वादियों में, मनाली की सोलांग वैली में बर्फ के कुछ ढेर अभी भी रुके हुए हैं कि कब कोई आएगा मुट्ठी भर बर्फ पकड़ के एक दूसरे पर फेंकेगा, कब गूंजेगी उन वादियों में हंसी की आवाज जब जब एक स्नो फाइट होगा। ठंड मौसम में बर्फ में एकदम स्टीमिंग हॉट मोमोज का फर्स्ट बाइट याद है, कितना सेटिस्फाइंग लगता था। इन नो टाइम मोमोज से भरी प्लेट कब खाली हो जाती थी पता ही नहीं लगता था। दुनिया की कोई ब्यूटीफुल और अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन की किसी होटल का कमरा रुका हुआ है कि कब कोई आएगा और होटल रूम सर्विस के पूरे मजे उठाएगा। नेचर के बीचों बीच अकेले बैठकर सनसेट से बातें कर पाना और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में सिर्फ बर्ड्स की आवाज सुनना, कितना थेरेप्यूटिक लगता था ना। और गोवा, उसे कैसे भूल सकते हैं? बीच शैक पर बैठना, ठंडी ठंडी बियर पीना, जस्ट लेटिंग लूज एट अ सिक्लूडेड बीच, या बस बीच वेव्स की आवाज को सुनते रहना। गोवा के किसी अनएक्सप्लोर्ड रिवर पर एक कायाक है जो रुकी हुई है कि कब उसे पानी में उतारा जाएगा और कब कोई अपनी सुबह कायाकिंग के साथ शुरू करेगा। खैर, दुनिया कहीं भाग नहीं रही है, वो वही है, रुकी है कि कब कोई आएगा, कब अपने सपने एक नए डेस्टिनेशन में जाकर सच कर पाएगा। बात बस वक्त की है और ये वक्त जल्द ही गुजर जाएगा। No matter what, don't lose hope. Try and stay positive and keep dreaming of all the beautiful places you want to be. Kyunki kya pata, wo jagah bhi tumhare liye ruki hui ho. Share this video with anyone who needs to feel positive today and dream a bigger dream about a better tomorrow. Talk and Travel urges you to, until then, stay home and stay safe.